Hello, hello guys, I'm Shreya. Welcome back to my channel. So for today's video, जिसे कि आप टाइटल में देख सकते हो, आज हम करने वाले हैं What I eat in a day, मतलब मैं आज पूरे दिन में जो भी खाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, from brekkie to lunch to dinner to my mid-time snacks, सब कुछ. So अभी पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं, पहली चीज़ तो मैं आपको टाइम बता देती हूँ. टाइम हो रहा है 11, या आई नो आई एम लेट, बट मैं यूजली 11-12 ऐसे ही उठती हूँ, बिकॉज आई स्लीप वेरी लेट एज आई टोल्ड यू गाइज इन माई प्रीवियस व्लॉग ऑल्सो. सो अभी 11 हो रहा है, सो मेरा यूजली ब्रेकफास्ट ही होता है अराउंड 12:30. सो आई नो इट्स रॉन्ग, बट इट्स ओके, चलता है, थोड़ा थोड़ा तो चलता है. सो एट 11 o'clock अभी बज रहा है, आई एम गोना फ्रेशन अप, लाइक डू माई ब्रश एंड ऑल, गेट रेडी, गेट फ्रेशन अप, एंड देन आई विल बी टेकिंग माई ACV ड्रिंक, एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक, दैट आई टेक इन द मॉर्निंग रेगुलरली. लाइक मैंने ये अभी यू नो नया नया मुझे भूत सवार हुआ है, तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ लाइक फ्रॉम 4 to 5 days, एंड मैं इसको कंटिन्यू रखने वाली हूँ. लाइक आई एम गोना टेक अ 1 month चैलेंज फ्रॉम दिस मंडे, एंड पूरा महीना मैं ट्राई करूंगी, एंड आई विल सी इट्स इफेक्ट ऑन माई बॉडी, लाइक मेरे बॉडी पे क्या असर कर रहा है, एंड इज इट लाइक रियली हेल्पिंग मी इन द वेट लॉस एंड ऑल, देन आई विल बी टेलिंग यू एंड ऑल. सो नाउ कीप वॉचिंग द वीडियो. सो गाइज, बैकग्राउंड वॉइस होगी थोड़ी सी, तो प्लीज़ उसको यू नो इग्नोर कर देना, बिकॉज नेबर में कुछ काम हो रहा है एंड आई कांट हेल्प इट. सो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर करना. एंड द ड्रिंक दैट आई वॉज टेलिंग यू इज द वाओ लाइफ साइंस इंडियाज ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक. जो वाओ स्किन साइंस इंडिया है, उसी का ब्रांड है वाओ लाइफ साइंस इंडिया, जिसमें आपको मिलते हैं सारे ही हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स. सो ये है विद द मदर ऑफ विनेगर. गाइज, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग यू श्योर कि हर प्रोडक्ट में मदर ऑफ विनेगर हो. आप कोई भी विनेगर इसी भी ड्रिंक लो, उसमें ज़रूर मदर ऑफ विनेगर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ही नेचुरल है एंड इट्स रियली यू नो इम्पॉर्टेंट. यही बेसिकली आपके विनेगर की एक की होती है, जो कि बताता है कि आपका विनेगर अच्छा होगा या नहीं. सो विद द मदर ऑफ विनेगर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आप देख सकते हो, आई हैव यूज्ड दिस मच ऑफ माई ACV ड्रिंक, एंड बहुत ज़्यादा नहीं यूज्ड है, बिकॉज एक ही टेबल स्पून आपको डालना होता है. सो टू यूज़ दिस ACV ड्रिंक, यू हैव टू टेक 1 tablespoon ऑफ ACV ड्रिंक इन अ ल्यूक वॉर्म वाटर, एंड अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो आप उसमें 1 चम्मच हनी भी डाल सकते हो, एल्स जस्ट 1 चम्मच यू नो ACV ड्रिंक अपने ल्यूक वॉर्म वाटर में आपको एम्प्टी स्टमक लेना होता है, दैट इज 20 to 30 minutes बिफोर हैविंग एनी मील. सो मैं भी इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ, खाली पेट ले लेती हूँ लाइक सुबह उठने में, मतलब ब्रेकफास्ट के अपने पहले, लाइक एवरी डे. एंड मैंने अभी ये चैलेंज लिया है कि मैं इसको 1 month ट्राई करूँगी, एंड बाकी मैं 6-7 days से तो कर ही रही हूँ, एंड मेरे बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड आई हैव ऑल्सो लूज्ड 500 grams, दैट इज़ 1/2 kg आई हैव लॉस्ट. सो ये ACV ड्रिंक बहुत अच्छा है, ये आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, लाइक इट हेल्प्स एज योर यू नो इम्यूनिटी बूस्टर, टू हेल्प यू मैनेज वेट, एंड यू नो फॉर बैड ब्रेथ एंड बैड ओडर एंड सोर थ्रोट अगर आपका हो तो, एंड ये आपके कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है. एंड ऑल्सो आपके बाल में अगर डैंड्रफ है, तो आप ये ACV ड्रिंक अपने कॉटन से लेके जैसे आप ऑयल लगाते हो वैसे आप लगा लोगे तो आपका डैंड्रफ भी चला जाएगा. एंड इफ यू हैव पिंपल्स, आप हल्के हल्के से ड्रॉपलेट्स बाय ईयरबड्स या कुछ इसको हल्का हल्का लगा लोगे तो आपके पिंपल्स एंड एक्ने भी चला जाएगा. एंड ये बहुत ही अच्छा ACV ड्रिंक है, इट कम्स इन दिस बिग 750 ml का बॉटल, एंड प्राइस्ड एट जस्ट ₹599, which is really affordable again, but on discounts आपको ये और भी सस्ता मिल जाएगा. So this is my ACV drink, and अब हम लोग इसको लेने वाले हैं. So let's go to our kitchen. सो गाइज, मैंने पानी बॉयल होने चढ़ा दिया था, एंड जब ये पानी ल्यूक वॉर्म हो जाएगा, देन आई विल पोर इट इन टू द ग्लास, एंड आई विल जस्ट ऐड 1 teaspoon, लाइक 1 tablespoon ऑफ एप्पल साइडर विनेगर इन माई ग्लास ऑफ वाटर, एंड आई विल जस्ट हैव इट. इट्स वेरी नाइस, इट्स मेड ऑफ प्योर एप्पल्स, बहुत ही प्योर एंड यू नो अच्छे एप्पल से बना है ये ACV ड्रिंक, एंड काफ़ी हेल्दी एंड अच्छा, एंड यू मस्ट हैव इट एवरी डे. सो गाइज, आई एम बैक विद माई ACV ड्रिंक, एंड नाउ आई एम गोना हैव इट. So guys, this is my food, like you can see it, so tempting, so amazing. So usually I have my brunch because मुझे 12:30 एक हो ही जाता है. So this is my बूंदी का रायता, this is my आलू पराठा with some butter, and these are overnight soaked almonds. So I'm gonna have all of this, and now let's have our brunch. आलू प्याज पराठा with बूंदी का रायता is amazing.
सो मैं कैमरे के सामने ऐसे पहली बार खा रही थी एंड इट वॉज थोड़ा अजीब थोड़ा फन क्योंकि मज़ा तो आ ही रहा था वीडियो फिल्म करने में. एंड देन मैंने नहाया, नहाने के बाद आई चेंज्ड एंड देन आई डू सम स्किन केयर. सो फॉर स्किन केयर मैंने यूज़ किया ये बायोटीक का एडवांस्ड आयुर्वेदा का बायो क्यूकम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विद हिमालयन वाटर्स. फॉर द मॉइस्चराइजर आई यूज़ द बायोटीक मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर फॉर विजिबली फ्लॉलेस स्किन. इट्स रियली नाइस. सनस्क्रीन के लिए द बेस्ट दैट आई हैव द वाओ स्किन साइंस इंडियाज UVA एंड UVB प्रोटेक्शन सनस्क्रीन विद मैट फिनिश इन SPF 55 in it. It's really really good. Natural look में I don't go for foundation or much on powders, but मैं concealer से थोड़ा conceal करना पसंद करती हूँ. तो मैं Swiss Beauty का concealer use करती हूँ. काफ़ी affordable, काफ़ी amazing है. And then blender से उसको अच्छे से blend करके अपने dark circles को and lips के around जो भी darkness होती है उसको conceal कर लेती हूँ. Powder के लिए अपने concealer को set करने के लिए मैं sugar का translucent powder use करती हूँ, जिससे easily मेरा सब चीज़ you know अच्छे से set हो जाता है. I'm using this palette by sugar and इसमें मैं अपना blush use कर रही हूँ. मैं generally pink लगाती हूँ, बट मुझे जिस दिन थोड़ा लाइट का मन होता है आई अप्लाई द स्पीच वन. देन मैंने 36 आईलाइनर वाला अपना आईलाइनर यूज़ किया एंड फॉर द लिपस्टिक आई यूज्ड माय करंट फेवरेट माय ग्लैम का ये लिपस्टिक. काफ़ी अच्छा है, न्यूड मॉव शेड है, प्यारा सा प्रिटी सा लगता है, परफेक्ट मिक्सचर ऑफ न्यूड मॉव्स एंड पिंक्स. एंड फाइनली आई वॉज रेडी. सो गाइज एज यू कैन सी मैं रेडी हो चुकी हूँ अपना ब्रंच करने के बाद. मुझे कुछ कंपनीज को कॉल्स करने थे, मैंने वो किया, थोड़ी देर फ़ोन चलाया, शार किया, रेडी हुई, पूरा आपको मेरा नेचुरल मेकअप लुक दिखाया क्योंकि इतने लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे. सो आई शोड यू माई फुल स्किन केयर एंड नेचुरल मेकअप लुक. एंड अब हम बाहर जा रहे हैं टू अ कैफे. आई विल शो यू द कैफे एंड वॉट आई ईट देयर एंड सब कुछ. लाइक इट विल बी आर इवनिंग स्नैक्स सॉर्ट ऑफ थिंग क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं एंड पहुँचते हुए खाते हुए इट विल बी लाइक 5:30 to 6 एंड देन घर आके वील हैव डिनर. सो विल बी a lot of fun, so stay tuned. सो गाइज हम निकल चुके थे एंड वेदर बहुत ही अमेजिंग हो रहा था, बड़ी मज़ा आ रही थी एंड वी वर लिसनिंग टू सॉन्ग्स, चिलिंग एंड हैविंग फन. एंड हम जा रहे थे एक नया कैफ़े जो कि नया नया खुला था एंड वॉज द ऑलमोस्ट कैफ़े. काफ़ी ही सुंदर बनाया है, आप देख सकते हो कितना एस्थेटिक है, कितना प्यारा है. आई रियली लाइक द एम्बियंस एंड एवरीथिंग. मेन्यू बहुत ही वर्सेटाइल था, कुछ वेरी नए नए डिशेज थे. तो हमने जलेबी चाट मंगाया, फ्राइज, पास्ता एंड काफ़ी कुछ. सो हमारी जलेबी चाट फाइनली आ गई थी एंड आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है. इट हैड द करेक्ट amount of sweetness and khattapan to it. I really liked it. आप देख सकते हो मुझे कितने मज़े में मैं खा रही हूँ. It was really good. Then I cheesy fries came. These were the heaven in a bake of fries and इतने tasty थे, इतने amazing. I really liked the food there and काफ़ी enjoy कर रहे थे. And इस time around it was like 6:30. तो मिड टाइम क्या मतलब डिनर लंच सब एक ही संग हो रहा था, डिनर स्नैक टाइम. एंड देन द शेक केम, दिस वॉज द ओरियो शेक एंड देन द चीज़ केक कोल्ड कॉफ़ी. एवरी थिंग वॉज जस्ट सो डिलिशियस. आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ फन एंड आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग माई सेल्फ आउट. दिस वॉज द पेस्टो पास्ता, ये भी बहुत टेस्टी था. इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ वेजीज एंड वेजिटेबल्स टू इट एंड यू कैन सी आई एम जस्ट इन्जॉइंग एंड लविंग इट. सो गाइज आई एम बैक होम एंड मैंने काफ़ी अच्छे से आज अच्छे से खाया. लाइक आई हैड कोल्ड कॉफी, ओरियो शेक थोड़ा सा आई टेस्टेड फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड देन जलेबी चाट आई हैड, आई हैड पास्ता, आई हैड फ्राइज, मतलब यू सॉ एवरीथिंग. सो काफ़ी अच्छा खाना था, लाइक वेरी नाइस फूड. एंड अब मैं घर आ गई हूँ एंड इट्स लाइक 8. सो अब मैं देख रही हूँ अपना स्प्लिट्स विला जो कि फ्राइडे को है. आज फ्राइडे है सो एपिसोड आ गया है. सो आई विल बी वॉचिंग माई स्प्लिट्स विला एंड देन अराउंड 10 वील बी हैविंग आर डिनर एंड देन आई विल सी यू एट द डिनर टाइम. एंड अभी हम चलो स्प्लिट्स विला देखते हैं. तो गाइज मैं ये स्प्लिट्स विला देख रही थी एंड देन ये देखने के बाद हम चले गए अपने डिनर करने. सो गाइज टुडे इन डिनर वी हैव इडली सांभर. सो दिस इज द सांभर जो गर्म हो रहा है एंड इडलीज आर देयर. सो हम अब इडली सांभर खाएंगे एंड दिस इज व्हाट वी हैव फॉर अ डिनर. सो गाइज इट्स डिनर टाइम एंड बहुत लेट हो गया है, लाइक इट्स 10:30. मैं यूजुअली 8 or 9 तक खा लेती हूँ बट अभी लेट हो गया. मुझे ज़्यादा भूख है नहीं क्योंकि अराउंड 7 ही हमने पूरा इतना यूज स्नैक्स सब खाया था. सो आई जस्ट हैव दिस फॉर डिनर टुडे. आई एम गोना शो यू द क्लोजअप. जस्ट टेक इन 1.5 इडलीज बिकॉज आई वॉज नॉट हंग्री एंड मुझे थोड़ा सा खाना था, नॉट ज़्यादा. सो आई जस्ट हैव दिस सांभर एंड 1.5 इडलीज. सो आई एम गोना ईट इट एंड दिस विल बी ऑल. ऑल्सो अ टिप गाइज, अगर आपको बहुत नहीं खाना है और अपने कैलोरीज मैनेज करना है तो आप रात को फ्रूट्स भी ले सकते हो या फिर ओट्स या फिर यू नो समथिंग लिक्विड लाइक सम सूप और समथिंग. सो यू कैन हैव दैट बट आई एम गोना हैव जस्ट 1.5 इडलीज एंड सांभर एंड इट्स ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ एंड यू नो वेरी नाइस. सो आई एम गोना हैव इट. एंड गाइज जैसे कि मैं बाहर चली गई थी सो आई कुडंट यू नो शो यू माई रेसिपी, स्पेशल रेसिपी ऑफ macaroni, but I'll attach it in some other vlog if I'll vlog soon, so stay tuned for that.
सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो. मैंने आपको दिखाया कि मैंने आज पूरे दिन में क्या खाया, फ्रॉम माई ब्रेकी टू माई ब्रंच, स्नैक टाइम, डिनर टाइम, सब कुछ. आई होप यू लाइक द वीडियो बिकॉज मुझे बहुत मजा आया वीडियो फिल्म करने में. एंड अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. हिट दैट बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड सो गाइज टेल मी, लेट मी नो अगर आप चाहते हो कि मैं से और ब्लॉग्स बनाऊँ एंड मजे करूँ आप लोग के साथ एंड आपको दिखाऊँ कि मेरी लाइफ कैसी है, डे इन माई लाइफ एंड ऑल. सो लेट मी नो एंड नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.